क्या आपको पता है ये जो राइस्टार और ज्ञान गेमिंग है इनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई? ये दोनों पहली बार कब मिले और आखिर मिले तो कैसे मिले ये लोग, क्या आपको पता है? अगर आप लोग भी फ्री फायर खेलते हो तो आपको ये बात पता ही है कि राइस्टार और ज्ञान गेमिंग कितना फेमस है हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में, और इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा अच्छी भी है। काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि ज्ञान गेमिंग और राइस्टार घर के आसपास ही रहते हैं, बट अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं आपको बता दूं, राइस्टार जो है आई थिंक केरला में रहता है, आई एम नॉट 100% कंफर्म, और जो ज्ञान गेमिंग है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहता है। देखो मैं ये दोनों चीजें तो 100% कंफर्म नहीं हूँ, बट जहां तक मैंने रिसर्च किया है मुझे ये पता चला है कि राइस्टार केरला में रहता है एंड जो ज्ञान गेमिंग है वो कोलकाता में रहता है। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये दोनों घर के आसपास रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि राइस्टार और ज्ञान गेमिंग फ्रेंड्स कैसे बने, वो पहली बार कब मिले और कैसे मिले। आज के इस वीडियो में हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि फ्री फायर रिलेटेड आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिलते रहेगी। तो सबसे पहले बात आपको ये बता दूं, ये जो ज्ञान गेमिंग है और राइस्टार इनकी फ्रेंडशिप अभी अभी नहीं हुई है, आज से कुछ एक साल पहले या फिर कुछ महीनों पहले इनकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, इनकी फ्रेंडशिप आज से 3 साल पहले से ही हुई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि राइस्टार और ज्ञान गेमिंग आज से कुछ 1 साल पहले ही मिले हैं, और राइस्टार और ज्ञान गेमिंग दोनों ही बहुत फेमस यूट्यूबर है, ऐसे ही इनकी दोस्ती हुई है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आज से कुछ 3 साल पहले की, जब ज्ञान गेमिंग अपने चैनल पे फ्री फायर की स्ट्रीम करते थे, एंड उस टाइम जब वो स्ट्रीम करते थे तो जिसकी भी उन्हें रिक्वेस्ट आती थी फ्री फायर गेम में तो सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे, एंड ऐसे में उन्हें एक बार राइस्टार की भी रिक्वेस्ट आई थी, एंड उनका एक उसूल था कि किसी का भी रिक्वेस्ट आए अगर उनके फ्रेंड्स में जगह खाली है तो सबका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे, आज से कुछ 3 साल पहले। ऐसे में ही ज्ञान गेमिंग ने राइस्टार की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, और उस टाइम पे राइस्टार सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सब्सक्राइबर था ज्ञान गेमिंग का। फिर वो जैसे रैंडमली खेलने लगे, पहले हर एक इंसान के साथ खेलते थे जो भी उनके फ्रेंड लिस्ट में होता था, लाइव स्ट्रीम खेलने का मौका देते थे, एंड ऐसे में एक बार राइस्टार को भी मौका मिला। बट राइस्टार का गेम प्ले पहले भी बहुत ज्यादा ही ऑसम था और अभी भी बहुत ज्यादा ऑसम है, तो इसी गेम प्ले ने ज्ञान गेमिंग को इंप्रेस कर दिया, और यहां पे आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में ज्ञान गेमिंग तो डाउन हो ही चुके हैं, और यहाँ पे राइस्टार ने पूरी स्क्वाड खत्म कर दी अकेले ही 3 साल पहले, तो ये चीज ज्ञान गेमिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दी राइस्टार से। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा किल राइस्टार की है, वो ही 13 किल, और सबके एक दो किल है। आज से 3 साल पहले भी मतलब राइस्टार बहुत ज्यादा ओपी खेलता था, तो इसका मतलब ये है कि राइस्टार पहले से फेमस नहीं था, और राइस्टार फेमस था इसलिए ज्ञान गेमिंग और राइस्टार की फ्रेंडशिप नहीं हुई। आज से 3 साल पहले ये जस्ट एक इत्तेफाक था और इनकी फ्रेंडशिप ऐसी रैंडमली हो गई थी। अब काफी लोग मुझे ये भी बोलेंगे, नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, इनकी फ्रेंडशिप इसलिए हुई क्योंकि ये दोनों यूट्यूबर है और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर है इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के, इसलिए इनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है। बट ऐसा नहीं है, ज्ञान गेमिंग 3 साल पहले भी यूट्यूब पे थे, और राइस्टार का वीडियो जो है यूट्यूब पे आना शुरू हुआ था वो भी 1 साल पहले, कुछ 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले की बात है। अब वैसे तो ज्ञान गेमिंग और राइस्टार से रिलेटेड और भी मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग आप लोगों की फायदे की बात कर लेते हैं जो कि आपके सच में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैं आप लोगों को बहुत ही मस्त एंड बहुत ही बेस्ट एडिटिंग ऐप बताने वाला हूँ जिसका नाम है फिल्मोरा। बेसिकली ये तो एक iOS मॉडल है लेकिन आप इसे पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको काफी सारे अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट्स देखने मिलेंगे जो कि आपके वीडियो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड काफी ज्यादा गुड लुकिंग बनाने वाले हैं, और इसमें अलग अलग टाइप के टेक्स्ट भी है, जो भी आपका फेवरेट टेक्स्ट है वो आपको फिल्मोरा को एप्लीकेशन में जरूर से जरूर देखने मिलेगा। बट ये तो हुई बेसिक बात है, यहाँ पे एक से एक स्टिकर भी है, जो भी आपको स्टिकर चाहिए वो आपको फिल्मोरा को एप्लीकेशन में जरूर से जरूर देखने मिलेगा, और स्टिकर्स आपके वीडियो को और अट्रैक्टिव एंड काफी ज्यादा गुड लुकिंग बना सकते हैं, और अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसमें ट्रांजिशन भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं, तो इसमें आपको एक से एक ट्रांजिशन देखने मिलेंगे वो भी बिल्कुल ही फ्री। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करना, और यहाँ पे एक चैलेंज शुरू है $100 का, तो आप वो भी जीत सकते हो, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया राइस्टार पहले से फेमस नहीं था, तो अब हमें सवाल ये उठता है कि राइस्टार इतना फेमस कैसे हो गया। काफी बंदे की जुबान में ये होगा कि भाई वो यूट्यूबर है ना तो यूट्यूब से इतना फेमस हुआ है, बट अगर आप सोचते हो राइस्टार यूट्यूबर इसलिए इतना फेमस हुआ है तो ये आधा सच मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो राइस्टार 1 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, और हमेशा का उनका है कि वो महीने में एक वीडियो, पहले तो महीने में 2 वीडियो डालते थे या फिर 3 वीडियो डालते थे, लेकिन महीने में अब वो एक ही वीडियो डालते हैं। तो एक वीडियो डालने से फेमस कैसे हो गए, ऐसा नहीं है, ये पहले से कुछ चीज की है तब जाके फेमस हुए, एंड तब जाके उनका यूट्यूब चैनल इतने फास्टली ग्रो हो रहा है। जब इंडिया में किसी को गेम प्ले देखना पसंद नहीं था और इंडिया में बहुत कम लोगों को अच्छे से खेलना आता था, तब राइस्टार कितना अच्छा खेलते थे मैंने आपको बताया है, पूरा स्क्वाड खत्म कर दिया था आज से 3 साल पहले, और इनका ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, और ये बहुत पहले से ही मीना सर्वर या फिर फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनका गेम प्ले देखते
थे उनको गेम प्ले देख के सीखते थे, जबकि ऐसा हमारे इंडियन सर्वर में कोई नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ राइस्टार ही करता था। एंड ऐसे ही करते करते उन्होंने बाहर के सर्वर के प्लेयर को देख के कुछ सीखा, वो है वन टैप हेडशॉट। फिर उन्होंने इंडिया में भी वन टैप हेडशॉट को लॉन्च किया। एंड जो वन टैप हेडशॉट आप मारते हो वो राइस्टार ने ही इन्वेंट किया है, आप सभी को पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंड उनका मूवमेंट स्पीड, इनका ग्लूवल स्पीड आपको उनके चैनल पे यूट्यूब पे देखने मिलता है, वो जो अपने गेम प्ले डालते हैं उसमें से। और उनके गेम प्ले बहुत से फॉरेन यूट्यूबर्स रिएक्शन करने लगे, और यहाँ तक कि हमारे इंडियन यूट्यूबर्स भी रिएक्शन करने लगे, इससे और राइस्टार को और से ज्यादा लोग जानने लगे। बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ज्यादा फेमस राइस्टार है या फिर ज्ञान गेमिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग में से काफी सारे बंदे ये भी बोलेंगे कि भाई ज्ञान गेमिंग फेमस है, क्योंकि ज्ञान गेमिंग ने ही राइस्टार को फेमस किया है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि ज्ञान गेमिंग ने राइस्टार को फेमस किया, तो ऐसा नहीं है, बस इनकी फ्रेंडशिप थी, राइस्टार ने अपने खुद के बलबूते पे अपने आप को फेमस किया है। और ज्ञान गेमिंग के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है और राइस्टार के 5 मिलियन तक नहीं है, तो आप लोग बोले कि शायद ज्ञान गेमिंग ज्यादा फेमस है राइस्टार से। बट ऐसा भी नहीं है, फॉरेन में भी लोग राइस्टार को जानते हैं और इंडिया में बच्चा बच्चा भी राइस्टार को जानता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने इंडिया में वन टैप इन्वेंट किया, उसी के साथ उनका गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा था पहले भी और अभी भी, इसलिए और भी ज्यादा फेमस होते हैं वो दिन प्रतिदिन। और एक और बात, ज्ञान गेमिंग की लाइव स्ट्रीम में राइस्टार खेलते हैं, सो उस वजह से ज्ञान गेमिंग को भी अटेंशन मिलता है। और उसके साथ साथ जो राइस्टार गेम प्ले देखना चाहते हैं वो ज्ञान गेमिंग के स्ट्रीम भी देख लेते हैं, इससे होता है इन दोनों का फायदा। एंड इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप। अगर आप लोगों में से कोई या फिर आपके फ्रेंड में से कोई है सोचता है कि ये दोनों यूट्यूबर्स है इसलिए यूट्यूबर बनने के बाद ही इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हुई, तो ऐसा नहीं है, इनकी फ्रेंडशिप आज से 3 साल पहले ही हुई थी, जब इनका कुछ यूट्यूब पे अस्तित्व भी नहीं था, और ना ही ज्ञान गेमिंग फेमस था इसलिए राइस्टार ने उससे फ्रेंडशिप की, या फिर राइस्टार फेमस था इसलिए ज्ञान गेमिंग ने फ्रेंडशिप की, ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों की फ्रेंडशिप पहले से थी और एकदम रैंडमली हुई थी। और हाँ, अगर कोई सोचता है, देखो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ये लोग घर के आसपास नहीं रहते, अच्छे से सुनना, घर के आसपास नहीं रहते। ज्ञान गेमिंग ऐसा फन के लिए कोई बच्चों को बोलते हैं ये राइस्टार है, ये राइस्टार है, क्योंकि बच्चा बच्चा अपने आपको राइस्टार बोलता है ना, तो ज्ञान गेमिंग घर के पास भी एक बंदा है, बच्चा है, वो भी उसे राइस्टार बोलते रहता है, बस ऐसा मजाक में, बस इसका मतलब ये नहीं कि राइस्टार सच में वहीं पे ज्ञान गेमिंग के घर के पास ही रहता है। और अगर आपको राइस्टार के एज के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, राइस्टार शायद 18 के आसपास का, देखो मैं शायद से बोल रहा हूं, 100% कंफर्म नहीं हूं, 18 या फिर 19 के आसपास है। एंड ज्ञान गेमिंग तो भाई नौकरी करता है, मतलब वो बड़ा ही ऑब्वियसली बड़ा है, शायद 23-25 साल का हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं उस चीज से। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग, क्योंकि आप लोग एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो से वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो भाई लोग, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पर जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। एंड यस, अगर आप राइस्टार के फैन हो या फिर आपका कोई दोस्त है जो राइस्टार का फैन है एंड उसके मन में एक सवाल है कि ज्ञान गेमिंग और राइस्टार इतने अच्छे दोस्त कैसे बने, तो यार उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करना यार, कर दो यार, कोई वीडियो शेयर नहीं करते, मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, बट इस वीडियो को तो शेयर कर दो, क्या जाएगा शेयर करने से, एंड कर देना। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।